क्लास मैथमेटिक्स के 8 अंक के सवाल चल रहे थे, तो 8 अंक के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आपने पुराना वीडियो देख ही लिया होगा, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये वाला सवाल हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि इस वाले को कराएंगे। दूसरा सवाल है समाकलन का। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सवाल क्या है। सवाल आपको पहले ही पता चल चुका है कि 0 से इन्फिनिटी लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर पाई लॉग दो, ये आपको प्रूव करना है। ओके चलिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। 0 से ये हमने आई मान लिया बराबर, ये पूरा लिख दिया हमने, ठीक है, ये पूरा पूरा सवाल लिख दिया। ओके अब हम मानेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये पहले ही हम बता चुके हैं, जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाए तो हम एक्स की जगह पर क्या मानते हैं, टेन थीटा या टेन टी। तो हमने मान लिया कि इस एक्स की जगह पर हम टेन टी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन डी एक्स, टेन टी का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वेयर टी साथ में डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमने ये एक्स को हम टी में बदल रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। जी ये एक्स बराबर जीरो है, यहाँ पर जब एक्स बराबर, ये एक्स के अकॉर्डिंग लिमिट है, जब एक्स के बराबर जीरो पर टी बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा हमें पता है कि एक्स बराबर टेन टी है, यानी कि टेन टी बराबर एक्स, तो एक्स की जगह पर हम जीरो रख देंगे तो टेन टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब टेन में देखो ये जीरो कितने का मान होता है, टेन जीरो का मान जीरो होता है, ये टेन टी बराबर टेन जीरो, टेन से टेन कट गया तो टी बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया, पहली चीज तो ये। दूसरा देखिएगा, अब एक्स की जगह पे लिमिट इन्फिनिटी, यानी एक्स बराबर एक बार जीरो लेंगे एक बार इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी लेंगे तो देखिएगा एक्स बराबर इन्फिनिटी तो टेन टी बराबर क्या हो जाएगा, टेन टी बराबर एक्स है तो एक्स की जगह पे इन्फिनिटी आ गया। अब टेन में देखो इन्फिनिटी कितने का मान होता है, टेन में पाई बट्टे दो का मान इन्फिनिटी होता है, तो क्या टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई बट्टे दो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि जब एक्स की लिमिट जीरो थी तो टी की लिमिट आई जीरो, जब एक्स की लिमिट इन्फिनिटी थी तो टी की लिमिट आई पाई बट्टे दो, और एक्स बराबर टेन टी रख देंगे, डी एक्स बराबर सेक स्क्वेयर टी रख देंगे इस वाली समीकरण में, ठीक है। तो इस वाली समीकरण में देखो, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर हम टेन टी रख देंगे, देखिएगा ये जीरो पाई बट्टे दो, यहां पर एक्स की जगह पर टेन टी वन अपॉन टेन टी डी एक्स बट्टे वन प्लस टेन स्क्वेयर टी, देखिएगा लॉग टेन टी वन अपॉन टेन टी, और ये देखिएगा डी एक्स, डी एक्स की जगह पर क्या था, सेक स्क्वेयर टी, सेक स्क्वेयर डी टी ये आ गया, और वन प्लस टेन स्क्वेयर टी, देखिएगा ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये देखिएगा पूरी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। ओके चलिएगा, अब आगे देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है कि वन प्लस टेन स्क्वेयर टी एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, कि भैया वन प्लस सेक स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सॉरी वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, आपका सेक स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक है, और वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वेयर थीटा होता है। तो ये वाला फॉर्मूला, तो हम कौन से वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले का, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस वन प्लस टेन स्क्वेयर टी क्या हो जाएगा, sec स्क्वेयर टी, ऊपर sec स्क्वेयर डी टी था ये रहा, और ये देखिएगा नीचे हमने tan t हमने LCM ले लिया, तो tan की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी tan स्क्वेयर टी प्लस वन, ये आ गया, ठीक है, log ये जो का त्यों रहेगा, बाकी ब्रैकेट में हमने क्या करा, ये चीज LCM ले ली, बाकी ये सेम, ठीक है। अब क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये tan स्क्वेयर टी प्लस वन, या आपका देखिए फॉर्मूला में वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा या टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन बराबर क्या होता है, सेक स्क्वेयर थीटा। तो वही चीज वन प्लस टेन स्क्वेयर टी या टेन स्क्वेयर टी प्लस वन, बात एक ही है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इस पूरी की जगह पर आपका आ गया सेक स्क्वेयर टी आ गया, नीचे आपका टेन टी था, अब इस सेक स्क्वेयर टी से सेक स्क्वेयर टी कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी टी बचेगा केवल, यहां पर ये लॉग ये रहा, ठीक है, बाकी सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो अब जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दे रहा हूं, ये देखिएगा मेरे पास रेड पेन का है, रेड नंबर वाला ये लिखो जाता, देखिए इससे इस पूरे ब्रैकेट से ये हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया, ओके चलिएगा काट दिया, और ये आपका बच गया। अब इसको तोड़ दो, किसको तोड़ देंगे, सेक स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा बराबर वन अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, और टेन बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है, साइन टी बट्टे कॉस टी। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि भैया ये नीचे वाली जो चीज है ये कहां पर जाती है, ऊपर जाएगी,
और ये वाली चीज किस में जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसकी 1 इंटू कॉस टी और कॉस स्क्वेयर टी इंटू साइन टी आ जाएगा। अब इस कॉस से एक वाली घात कट जाएगी तो क्या बचेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ ऊपर वन बचेगा, नीचे कॉस टी साइन टी बचेगी, ठीक है। बाकी ये जीरो से ये सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा देखिएगा, अब ये आपका दिखाई देगा क्या, ये देखिएगा नीचे से मैं हटा दे रहा हूं इसको, देखिएगा क्या दिखाई देगा, ये देखो जीरो से वही लॉग, ऊपर कॉस से स्क्वेयर कट जाएगा तो यहाँ पे नीचे केवल कॉस टी और साइन टी बचेगा, ऊपर वन, ये डी टी आ गया, ठीक है, ये चीज बचेगी केवल, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये चीज बचेगी। अब लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लॉग एम बट्टे एन बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लॉग एम की जगह पे एक है लॉग वन माइनस लॉग, और एन की जगह पे क्या है कॉस्टी साइन टी, कॉस्टी साइन टी, ये आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट से बाहर क्या है आपका डी टी, और ये जीरो से पाई बट्टे दो, ये आ गया। अब लॉग वन का मान जीरो होता है, ये माइनस लॉग जो और ये जो का त्यों लिख दिया, और बाकी ये डी टी, ठीक है। अब देखिएगा माइनस से कोई लेना देना नहीं है आपका, ये जीरो खत्म, ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया, जीरो से पाई बट्टे दो, और ये लॉग, और हाँ इसमें देखिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है, देखो माइनस बाहर ले लिया, जीरो से पाई बट्टे दो, ये आ गया। अब ब्रैकेट से लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी दो संख्या गुणा में हो रही है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला लगा दिया, ठीक है। चलिएगा अब हमने क्या करा देखिएगा, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस जीरो पाई बट्टे दो लॉग कॉस टी डी टी, यानी कि इधर से माइनस जीरो से पाई बट्टे दो की मल्टीप्लाई करी, इधर से डी टी की, तो ये अपने आप में एक सवाल ये बन गया और एक सवाल ये आ जाएगा अलग अलग, माइनस क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, जीरो से पाई बट्टे दो लॉग साइन टी डी टी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा ये आपका आई है, आई बराबर ये माइनस जीरो से पाई बट्टे दो लॉग कॉस, देखिएगा वही प्रॉपर्टी का यूज किया है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है कि भैया हमारा लॉग, ये वाला जो सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है कि जीरो से ए एफ एक्स होता है तो हम उसको कितना लिख देते हैं, जीरो से ए एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ए माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया, इसमें जीरो से ए की जगह पर पाई बट्टे दो है तो यहाँ पर कॉस टी की, कॉस टी डी टी है तो यहाँ पर कॉस टी की जगह पर पाई बट्टे टू माइनस टी रख दूंगा, पाई बट्टे टू माइनस टी आ गया इंटू डी टी, माइनस इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये आ गया, ये माइनस का है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा ये जीरो से पाई बट्टे दो लॉग साइन टी डी टी, ये जीरो से पाई बट्टे दो लॉग साइन टी डी टी, यानी ये दोनों दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली दोनों की चीजें सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इस तरह का समझिएगा कि भैया जब आपका माइनस एक्स और माइनस एक्स होता है तो हम माइनस टू एक्स लिख देते ही ना, लिख देते तो वही काम, ये भी सेम, ये माइनस ये एक्स समझो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा वैल्यू एक्स तो ये भी एक्स, तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा माइनस टू, और एक्स की जगह पर क्या है ये पूरा आ गया, ठीक है। जैसे तो ये माइनस का दो हो गए। अब आपका इससे पहले वाला जो सवाल था, आपका पहले वाला सवाल क्या था, जो सबसे पहला सवाल कराया था, जीरो से पाई बट्टे दो लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है, माइनस पाई बट्टे दो लॉग दो, ये होता है। तो अब इसको सॉल्व नहीं करके दिखाओगे, इसको डायरेक्ट यूज करोगे इस वैल्यू को, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, ये पहले वाले सवाल का था तो इस तरह का ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर माइनस का दो, और इसकी जगह पे ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सवाल है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी, माइनस पाई बट्टे दो लॉग दो। ये पहले वाला सवाल देखिए, पहले वाला सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला देखिएगा, ये पहले वाला सवाल था, ये मैंने प्रूव कराया था, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, देखिएगा जैसे कि अब हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया कि वन टेन स्क्वेयर टी प्लस वन बराबर
क्या होता है आपका sec square थीटा होता है। अब ऐसा नहीं कि अब इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है तो इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, तो ये डायरेक्टली यूज होगा। अब सवाल बड़ा है, यदि आपसे कहेगा कि इस चीज को प्रूव करो तब आपको ये प्रूव करना, अदरवाइज जहां कहीं पे बड़े बड़े सवालों में ये आएगा तो हम डायरेक्टली यहां पर ये चीज आएगी तो हम वहां पर ये चीज डायरेक्टली लगा दो। यहाँ पर dt है, sin t है, ये dt है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x है dx होना चाहिए, y है dy होना चाहिए, t है तो dt होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। ठीक, चलिएगा अब आपका ये देखेंगे हम, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपका i बराबर ये कितना पाई log 2 हो जाएगा, i बराबर पाई log 2, ठीक, ये आ गया आपका। ठीक है, चलिएगा इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका कैसे हो गया, देखिए इतने की वैल्यू माइनस पाई बटे 2 log 2 हो गई, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, पाई log 2 ये आ गया आपका। ठीक है, चलिएगा ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है ना, एकदम शानदार जानदार सवाल, इसको जल्दी से कर लीजिएगा, फिर अगले सवाल को कराएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम कौन सा सवाल कराएंगे, तीसरा सवाल देखिएगा, 0 से 1 log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई बटे 8 log 2। ये भी इसी तरीके का है, चाहो तो आप इसको कर सकते हो, सेम इसी तरीके का होगा। ठीक है, नहीं कर पाओ तो इसको हम करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, चलिएगा,